तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जहाँ तक किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें बच्चों, जैसे 3 × 4 है तो उसके साथ कई बार आप देखते हैं कि हम डॉट भी लगा देते हैं, कई बार क्रॉस भी लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी वेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो उसके साथ जब हम डॉट लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और क्रॉस लगाते हैं बच्चों तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट है तो उस डॉट का मतलब होता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, राइट? तो फिर याद रखिए, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बोथ आर द सेम थिंग। तो आज हम उसी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग क्लियर करें, आप लोग एक बार देख लें, बाकी सिंपली तो मैं आपको रटवा दूंगा। क्या बोल रहा है बच्चों ये? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब ये बोल रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाले एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है। तो बच्चों हो सकता है अभी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई हो, लेकिन अब मैं आपको इस चीज़ को बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए पढ़ने का तरीका, लैंग्वेज पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया। वंस अगेन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस? दिस वन इज वैक्टर ए, व्हाट इज दिस? दिस वन इज वैक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो वंस अगेन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो बच्चों क्लियर हो गया, ऊपर जो लैंग्वेज लिखा है उसी को आप इस तरह से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार फिर मेरे साथ में मन मन में रिवाइज करिएगा, क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दैट मीन्स वॉट? कि वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखें कि अभी इन दोनों वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब थीटा मैक्सिमम भी हो सकता है, थीटा मिनिमम भी हो सकता है। उस बेसिस पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो बच्चों पहली चीज लेके चल रहे हैं हम, थीटा इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज द मीन ऑफ थीटा इक्वल्स टू जीरो? बच्चों यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू जीरो रख दें तो वैक्टर बी और वैक्टर ए दोनों एक दूसरे के पैरल हो जाएंगे कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर करा उसने क्या? इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स वॉट? बोथ फैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर parallel to each other, but we already know that cos 0 is equals to what? 1. तो बच्चों यहाँ पे cos 0 की values कितनी put up कर दे? 1. Finally देखो हमको क्या मिल रहा है? A dot B which is equals to AB. That means what? The dot product of two vector becomes maximum if they are parallel to each other. तो बच्चों समझ में आ गया, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, जो उनका स्केलर प्रोडक्ट है, वो कैसा होता है? मैक्सिमम। सेकंड चीज है बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। अब थीटा इक्वल्स टू 90 का मतलब क्या होगा? कि ऑब्वियसली जो वेक्टर बी है वह वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। दैट मीन्स वॉट? बोथ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों क्लियर हो गया, थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स वॉट? बोथ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स कॉस 90 कितना होता है? जीरो। बच्चों ये वाली चीज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो पूरा कितना हो जाता है? जीरो। दैट मीन्स वॉट? कि इफ टू वैक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी मिनिमम और जीरो। तो देखा बच्चों, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? मैक्सिमम। और जब दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों? जीरो या मिनिमम। अब इन इन डॉट प्रोडक्ट्स की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गिनती की चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग क्लियर करें। सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखो क्या लिखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे
कम्यूटेटिव लॉ। बहुत सिंपल है, क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स व्हाट? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दैट मीन्स दो वेक्टर्स के ऑर्डर को हम आपस में चेंज करें तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई व्हाट कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो आई थिंक बच्चों ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। सेकंड क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट मीन्स व्हाट? दिस वेक्टर ए कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो डॉट प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। मतलब इस वेक्टर ए को बी और सी दोनों के साथ हम देखो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चों जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तब इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम लोग यूज में लाते हैं। तो आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपके क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है बच्चों? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट्सेल्फ इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये है बच्चों वेक्टर ए, इसको देख सकते हैं, इसको खुद ही के साथ हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं। अगर हम ऊपर अपना डेफिनेशन को क्लियर करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस जीरो, बिकॉज वेक्टर ए मैक्स जीरो एंगल विथ इट्सेल्फ ना। तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। दैट मीन्स ए डॉट ए कितना हो गया बच्चों, ए स्क्वायर। तो कैसे पढ़ना है इसको, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखा बच्चों आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर एक बार आप यहाँ पे समझ पाए। अगली प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ऊपर भी हमने समझा था जब स्पेशल केस देख रहे थे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बच्चों, जीरो। वाई? बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90, कॉस 90 कितना हो जाता है, जीरो। ऊपर जो फार्मूला उसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टीज है। अगला क्या बोल रहा है बच्चों, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्पेशल केस नंबर वन में भी हमने देखा था, एक थीटा इक्वल्स टू जीरो रखा था बच्चों, तो क्या मिला था हमको, ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू ए बी। दैट मीन्स व्हाट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करना, क्या है डेफिनेशन, तो अब इससे पढ़ने की कोशिश करना। वंस अगेन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। स्पेशल केस, इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, एंड इफ टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी मिनिमम। चार पांच सारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इफ टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, एंड इफ टू वेक्टर आर पैरेलल to each other then their dot product will be maximum. तो बच्चों ये properties हैं किसकी, dot product of two vectors की। अब numerical जब हमको solve करने होते हैं तो फिर कुछ छोटे छोटे protocols को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्या protocols हैं तो उस पर भी अपन आगे चर्चा करते हैं। जो कई बार जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं है ना, तो एक छोटा सा नोट आप लोग याद रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कल आपको बताया था हमने एक थ्री डायमेंशन, दैट मीन्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। कल ये भी क्लियर किया था द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना था, आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना था, जे कैप। एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस बच्चों कितना था, के कैप। अब ये किसी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आता है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है आई डॉट आई कैप, मतलब आई कैप को आई कैप के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या लिखा जा सकता है फार्मूले से, फार्मूला बोलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा।
अब यहाँ पे बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, कल अपनी यूनिट वेक्टर की बात करी थी बच्चों, क्या बोला था, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज आई कैप, ऑब्वियसली इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। दैट मीन्स व्हाट, वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ऑब्वियसली आई कैप मैक्स जीरो एंगल विद इटसेल्फ, दैट मीन कॉस जीरो, कॉस जीरो बच्चों कितना होता है वन, मतलब वन डॉट वन डॉट वन, दैट मीन्स वॉट वन। तो बच्चों इसी तरह याद रखिएगा कि आई डॉट आई कैप कितना होता है वन, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना वन, और के कैप डॉट के कैप कितना है वन, राइट। लेकिन जब बच्चों बात करते हैं हम किसकी, आई कैप डॉट जे कैप, आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल कितना है 90, राइट। कॉस 90 कितना होता है बच्चों जीरो, दैट मीन्स व्हाट कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा जीरो, सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप कितना होगा जीरो, और के कैप डॉट आई कैप कितना होगा जीरो। तो बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त याद रखिएगा आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई कैप जीरो, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको आप याद रखिए तो आप न्यूमेरिकल बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे।